हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रचना करेलिया में। आज हम सलवार की कटिंग करना बताएंगे। चलिए तो कटिंग करना शुरू करते हैं। पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड कर लिया है हमने और सीधा कर लेंगे। इंच टेप से सीधी लाइन खींच कर सीधा कर लेंगे। पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की हम लंबाई रखेंगे 8 इंच और कमर हमारी है 18 इंच। 2 इंच इसमें प्लस कर देंगे मार्जिन और जो लूजिंग होती है उसके लिए। बेल्ट हमारा कट गया है। अब हम दोनों पैरों की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है इसको भी। 6 इंच हम बेल्ट का होता है वो बाहर कर देंगे और फिर हम निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने बढ़ा लिया है, जो हमारी सलवार की लंबाई है ना उसमें हमने 2 इंच बढ़ा लिया है। जो भी यहाँ पे सिलाई होगी ना तो वो मार्जिन में चला जाएगा 2 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 13 इंच की, 13 का 1/2 इंच, 1.5 इंच, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें कली लगाने के लिए कली कटिंग करेंगे। हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसकी जो भी लंबाई आ रही है उतने इंच की हम कली कटिंग करेंगे। जो हमारी लंबाई आ रही थी उसी को हम यहाँ से नापेंगे, इधर से निशान लगा लेंगे। वो कली हमारी दोनों पैरों में जुड़ेंगी। 2 कली इधर से निकाल लेंगे और 2 इधर से निकाल लेंगे। इसकी म्याने की लंबाई लेंगे 9 इंच। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। कटिंग कर देंगे और इस वाली कली को उठाकर ये बचा हुआ कपड़ा है इस पे रख देंगे और हम एक पैर की और कली निकाल लेंगे इसमें से। इस तरह से उठाकर और सेट कर देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे और हमारी दोनों कलियों की कटिंग हो गई है। और अंदर से खोल देंगे। इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।